रुक रुक कर बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण किसानों के खेतों में पानी भर गया है। ज्वार की फसल खराब होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो लगातार बारिश की वजह से ज्वार की जो खेती है उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। वल्लभ नगर में पिछले 36 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो भारी बारिश की वजह से खेतों में पानी खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से ज्वार की फसल जो है वो प्रभावित हो रही है। तो खेतों में पानी भर गया है, किसानों के खेतों में पानी भर गया है। ज्वार की फसल खराब होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि वल्लभ नगर में 36 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से किसानों की चिंता बढ़ गई है। तो ज्वार की फसल लगी हुई है, जिसकी वजह से बारिश की वजह से ज्वार की फसल खराब हो रही है और किसानों के खेतों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो वल्लभ नगर से ही बड़ी खबर, जहां पर 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, ज्वार की खेती खराब हो रही है और खेतों में पानी भर जाने की वजह से मुसीबतों का सामना कर रहे हैं किसान। वल्लभ नगर से हमारे संवाददाता माधव इस खबर पर वहां से जुड़ गए हैं। माधव, जिस तरह से बताया जा रहा है कि 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्या ताजा जानकारी है आपके पास? तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि लगातार 36 घंटों से बारिश हो रही है और रुक रुक बारिश का दौर जारी है, जिससे किसानों के जो खेतों में खड़ी फसल है जी वो खराब हो चुकी है। कई किसानों ने ज्वार की फसल काट ली है तो कटी हुई खेतों में पड़ी है, इसके साथ ही खड़ी फसलों में पानी भर गया है। या तो किसान उसको काट सकते हैं वरना कुछ और कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा मवेशियों के लिए चारा का संकट उत्पन्न हो गया है। पता जी माधव, तो क्या कुछ कहना है किसानों का, किस तरह से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं और क्या कुछ कहना है प्रशासन का, क्या कोई कदम उठाया जा रहा है किसानों के लिए? श्रोता, मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक प्रशासन की ओर से इस संदर्भ में कोई भी मतलब जायजा नहीं लिया जा रहा है, जिससे किसान काफी चिंता में लग रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि वल्लभ नगर ही नहीं, अभी तो मेवाड़ क्षेत्र के जो किसान है उनके लिए भी एक चिंता का विषय हो गया है जी। खेतों में पानी भरा है, लगातार खेतों में पानी भरा रहने से फसलें पूरी तबाह हो चुकी है जी। श्रोता जी, माधव तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो माधव हमारे संवाददाता बता रहे थे कि वल्लभ नगर ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी इसी तरह की जो स्थिति है वो बनी हुई है। भारी बारिश की वजह से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, उनकी फसल में पानी चला गया है, उसकी वजह से पानी खड़ा होने की वजह से लगातार मुश्किलें जो हैं वो बढ़ रही हैं।